गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल क्लाइथ। मैं अनुज आपको क्लास सिक्स्थ की साइंस पढ़ा रही हूँ। बच्चों, आपको पता है जैसा कि आपके ऑनलाइन वीकली टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो आपका लेसन फर्स्ट में से आएगा। ओके, तो जो लेसन आपका फर्स्ट है आज, मैं उसको आपकी रिविज़न करवाऊँगी इस वीडियो के अंदर। जो मैं आज आपको समझाऊंगी आपको वो ध्यान से समझना है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस को जो टेस्ट में आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, जैसे डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, तो आंसर आएगा नो। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है पाँच प्लांट्स के नाम बताने हैं और जो हम पार्ट उसका ईट करते हैं उसके नाम बताने हैं, तो वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे मस्टर्ड का हो गया सीड्स या लीव्स, कैरेट की रूट, पोटैटो की स्टेम, टमाटो की फ्रूट और पीजन पी के सीड। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास मैच दी फॉलोइंग, मैच करने हमें कॉलम ए को कॉलम बी से। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके टेस्ट में, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये कैसे किस टाइप के थिंग हैं, ये क्या है, सारे कैसे प्रोडक्ट हैं, एनिमल प्रोडक्ट हैं, तो ए को आप फोर्थ से मैच कर सकते हो। जैसे आंसर तो आपको पता ही है, यहाँ पे दिए गए आपकी बुक में वैसे भी। बी है स्पाइनेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, इसको भी आप मैच कर सकते हो थर्ड से, क्योंकि ये क्या है, ऑल सारी वेजिटेबल हैं। अगर थर्ड दिया गया है लोयन एंड टाइगर, लोयन एंड टाइगर क्या है, ईट करते हैं दूसरे एनिमल्स को, तो सी को आप फर्स्ट से मैच कर सकते हो। हर्बीवोर आगे डी को आप मैच कर सकते हो स्टूडेंट्स, वो ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी करवाऊंगी वो आपको अच्छे से ध्यान से समझना है, और आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो इस फ्राइडे मीन्स कि 20 मई को होने जा रहा है, और उस क्वेश्चन पेपर में आपको क्या होगा कि स्क्रीन पे 20 क्वेश्चन अपीयर होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ उनके वहाँ पे आंसर बताने हैं। ठीक है, तो होप कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे दिए गए हैं जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं स्टूडेंट्स, फिल इन दी ब्लैंक्स में जैसे टाइगर इज़ ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, टाइगर क्या है, एक कार्निवोर है, तो फर्स्ट में कार्निवोर आएगा। बी है डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड डैश, वो क्या है, डियर क्या खाती है, प्लांट प्रोडक्ट, इसीलिए वो क्या है, एक हर्बीवोर है। सेकेंड में आएगा हर्बीवोर। सी दिया गया है पैरेट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, पैरेट कौन से प्रोडक्ट खाता है, ओनली प्लांट प्रोडक्ट, तो थर्ड में आएगा प्लांट। डी है हमारे पास द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट इज एन एग्जांपल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, जो हम पीते हैं जो आता है काउ से, बफेलो से या गोट से, एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो हम पीते क्या हैं, दूध पीते हैं जो इन एनिमल से आता है, तो डी में आएगा मिल्क। लास्ट है वी गेट शुगर फ्रॉम, हम शुगर कहाँ से प्राप्त करते हैं, आंसर इज शुगर केन, ई का आएगा शुगर केन। अगर ऐसे दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको क्या करने हैं, खुद से रिवाइज करने हैं एक बार, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। फिर है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन दिया गया होगा और आपको आंसर लिखना है सिर्फ वहाँ पे, तो क्वेश्चन फर्स्ट जैसे है नेम टू सोर्सेज ऑफ फूड, दो सोर्स फूड के कौन कौन से हैं, प्लांट एंड एनिमल। क्वेश्चन सेकंड इज नेम टू कार्निवोर, लोयन एंड टाइगर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर कंडीमेंट्स, स्पाइसेस यूज्ड टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कंडीमेंट्स। क्वेश्चन फोर्थ इज नेम टू ऑयल रिच सीड्स, आंसर इज मस्टर्ड एंड सोयाबीन। क्वेश्चन फिफ्थ इज वाई सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड हंगर इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड डिजीज। आगे दिए गए हैं फिर चौरा इस चूज द करेक्ट आंसर, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईजी होते हैं, आप खुद से करोगे। आगे फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स, फिल करना है
जैसे मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट है फिलिप, ए कार्निवोर ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ओनली, ए डैश ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ओनली, तो कौन सा खाता है दूसरे जानवरों का, मरे हुए जानवरों को, वो कौन होते हैं कार्निवोर। तो फर्स्ट का आंसर है जैसे कार्निवोर हो गया। द डैश एंड द डैश ऑफ मस्टर्ड प्लांट आर यूज्ड एज फूड, जो मस्टर्ड प्लांट है सरसों का पौधा है वो यूज़ किया जाता है फूड की तरह, उसके कौन कौन से दो पार्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो आएगा आंसर लीव्स एंड सीड्स। ऐसे ही आगे क्या है, थर्ड है हमारे पास स्पाइसेस आर यूज्ड टू ऐड डैश टू द फूड, स्पाइसेस यूज़ किए जाते हैं फूड को क्या करने में, फूड को फूड में फ्लेवर ऐड करने में, तो थर्ड का आएगा फ्लेवर। फोर्थ दिया गया ऐसे स्टूडेंट्स, बीज कलेक्ट डैश फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इट इनटू डैश, बीज कलेक्ट करती हैं किसको, नेक्टर को, और कन्वर्ट कर देती है उसको हनी में। नेक्टर कैसे करेंगी, कहाँ से करेंगी, कलेक्ट फ्लावर से। तो फोर्थ का आएगा स्टूडेंट्स नेक्टर एंड हनी। फिफ्थ है हमारे पास स्क्वेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड डैश एनिमल्स, आंसर इज डेड, स्क्वेंजर्स क्या खाते हैं, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, तो आएगा डेड, फिफ्थ का डेड। आगे ऐसे ही ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंज्यूम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, तो आंसर इज ट्रू। सेकेंड इज ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर एडिबल टू अस, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जरूर नहीं है कि किस कोई प्लांट है हमारे पास हम उसके सारे पार्ट्स खा सकते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स, ट्रू। फोर्थ इज द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड वी ईट इज हिडन एज मस्कुलर एनर्जी, आंसर इज ट्रू। लास्ट है वी गेट मोर वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम एनिमल देन प्लांट्स, आंसर इज फॉल्स। ऐसे ही अभी तक मैंने जो आपको करवाए ये समझा देती हूँ मैं आपको एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द कंटेंट्स ऑफ ढोकला आर ऑब्टेंड फ्रॉम, आंसर आएगा सी, क्योंकि जो ढोकला है वो हमें प्लांट से, एनिमल से, या फिर दोनों से, या फिर नन ऑफ दीज से मिल सकता है, तो फर्स्ट का आएगा सी आंसर, बोथ ऑफ दीज। सेकंड दिया गया स्टूडेंट्स ए हर्बीवोर कंज्यूम, ए हर्बीवोर क्या खाता है, प्लांट्स ओनली, एनिमल ओनली, बोथ प्लांट एंड एनिमल, नन ऑफ दीज, तो क्या खाता है, प्लांट्स ओनली, तो सेकंड के ए ऑप्शन पर टिक कर सकते हो आप। थर्ड दिया गया स्टूडेंट्स द पार्ट ऑफ कैरेट वी ईट इज, जो पार्ट हम कैरेट के खाते हैं वो कौन से हैं, लीफ स्टेम रूट फ्रूट, तो आंसर आएगा सी, थर्ड का सी, रूट खाते हैं हम कैरेट का। फोर्थ है हमारे पास एन ओमनिवर अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से ओमनिवर कौन सा है, काओ डियर रैबिट बियर, तो आंसर आएगा बियर, फोर्थ का डी। फिफ्थ है हमारे पास हनी इज ऑब्टेंड फ्रॉम, हनी किससे मिलता है हमें, प्लांट एनिमल बोथ ऑफ दिस मार्केट, तो आंसर आएगा बी एनिमल्स, ठीक है। ऐसे ही क्या है हमारे पास यहाँ पे भी दिए गए थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी समझा देती हूँ। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, गोट जैसे ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच, ईगल, विच ऑफ द अबव एनिमल फॉर्म ए पेयर ऑफ ओमनिवोर, इनमें से कौन सा पेयर ओमनिवोर का, अबव एनिमल में से ओमनिवोर का पेयर है, तो हमें बताना है कौन सा है यहाँ पे, आप क्या करोगे इधर खुद से करोगे, जैसे गोट, ह्यूमन बींग्स, कॉकरोच और ईगल, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम, हनी बी कहाँ से बनाती है अपना हनी, तो ये भी आप खुद से करोगे स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको समझाया हुआ है, ये सारे के सारे आप खुद से ही करोगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया था हमारा, उसके बाद ये वन वर्ड क्वेश्चन दिए गए, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वन वर्ड में आंसर इनका। फिर आगे फिर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे ही राइट वन वर्ड है, मैच दी कॉलम है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप के ही आएंगे, जैसे यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो गए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स। सो
प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।